नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान की हुई शुरुआत। बांका जिले में नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किए गए संपूर्णता अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अंशुल कुमार एवं भारत सरकार के नीति आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद शेखर के द्वारा स्थानीय पुराने अस्पताल परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अंशुल कुमार एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद शेखर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आपको बता दें यह कार्यक्रम जिले में 4 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी प्रखंडों में 6 चिन्हित संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद शेखर ने कहा कि 112 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें बांका जिला भी एक है। यह कार्यक्रम जिले के स्वास्थ्य, कृषि में बेहतरीन के लिए किया जा रहा है, कार्यों में तेजी लाया जाएगा। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि संपूर्ण अभियान की शुरुआत आज से जिले में हुई है। इसमें विशेष रूप से पोषण, कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में यह योजना 100% क्रियान्वित कर बांका को एक आदर्श जिला बनाने की मेरी मंशा है। जिसका मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, उसको प्राथमिकता से पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। आप सब जानते हैं हमारी गर्भवती महिलाएं जो हैं, उनका पहले ट्राइमेस्टर से ही, पहले त्रिमाह से ही प्रसव पूर्व जो भी देखभाल मिलना चाहिए वो मिले। मैं देख रहा था बांका के आंकड़े काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। आगाज हुआ है 4 जुलाई से 30 सितंबर तक हम लोग बना रहे हैं, और इसमें एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि पोषण का, और जो धातृ माताएँ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके पोषण का जो है विशेषकर ध्यान रखा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, साथ ही कृषि के क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड जो रहता है उस पर भी बहुत एम्फेसिस दिया गया है। तो आज से हम लोगों ने इसका आगाज किया है, और लगभग 30 सितंबर तक विभिन्न जो सूचकांक हैं उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बांका जिले में हम लोग अव्वल आएँ। साथ ही आज हम लोगों के बिहार सरकार द्वारा आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेला का भी आगाज़ है, और इसके तहत हम लोगों ने सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है 40% से लेकर के 80% तक विभिन्न यंत्रों पर, उसके बारे में भी किसानों को अवगत कराया है, और इस मेला के माध्यम से बांका के जिलावासियों को भी अवगत कराया है। नए कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंद ने संभाली नब की बागडोर। बुधवार को बांका नगर परिषद कार्यालय में नए पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंद पंत को प्रभार कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह द्वारा सौंपा गया। मालूम हो कि निवर्तमान ईओ दीनानाथ सिंह का तबादला जहानाबाद हो गया है। इसके बाद कार्यालय के दस्तावेजों समेत संपूर्ण प्रभार नए ईओ को योगदान देने के बाद सुपुर्द किया गया। इस दौरान नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने भी नए पदाधिकारी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए पुराने पदाधिकारी दीनानाथ सिंह को फूल माला पहनाकर विदाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। मौके पर मौजूद कई वार्ड के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि में भी पदाधिकारियों से मिलकर बुके देकर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान सिटी मैनेजर अमरजीत, हेड क्लर्क अभय घोष, राजकुमार समेत कई अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। अरे
माननीय खेल मंत्री बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री बांका माननीय सुरेंद्र मेहता के द्वारा खेल भवन बांका का अनुरक्षण किया गया। खेल भवन की सुविधा एवं जिम सामग्रियों को देखकर मंत्री महोदय काफी प्रसन्न दिखे। उन्होंने आश्वस्त किया कि बांका जिले में जो भी खेल से संबंधित तो जरूरत है उनकी जानकारी मंत्री महोदय को दिया जाए ताकि और भी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। खेल भवन में अभी फिलहाल जिले के लगभग 400 खिलाड़ी प्रतिदिन आते हैं एवं जिम इत्यादि का लाभ लेते हैं। भवन कुमार खेल पदाधिकारी बांका के द्वारा माननीय मंत्री को खेल भवन का भ्रमण कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक DRCC रजनीश राज भी मौजूद थे।